सब्सक्राइब कीजिए रोजगार समाचार इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रोजगार से जुड़े वीडियो देखने के लिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं रोजगार समाचार इंडिया चैनल। दोस्तों आज की लेटेस्ट न्यूज 22 दिसंबर 2018 की जो ये लेटेस्ट न्यूज है किसानों के लिए, वो आप देखिए कि ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की जीत के पीछे सबसे जो अहम फैक्टर रहा किसानों की कर्ज माफी। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव से पहले कर्ज माफी का ऐलान किया और तीनों राज्यों में कमलनाथ, भूपेश बघेल और अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनते ही कर्ज माफी कर दी गई। इस बात में कोई शक नहीं है कि किसानों की कर्ज माफी अब बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुकी है। मोदी सरकार इस बात को जानती है। तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जिस प्रकार से कर्ज माफी को चुनावी हथियार बना रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि मोदी सरकार ने अगर जल्द इसकी काट नहीं निकाली तो 2019 की बाजी हाथ से निकलना तय है। बीजेपी के हाथों में से जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जो सत्ता छीनने के बाद कांग्रेस का अचूक अस्त्र बन चुकी कर्ज माफी की काट के लिए मोदी सरकार तेजी से सक्रिय हो चुकी है। और इसके साथ ही जो लेटेस्ट न्यूज है इसमें लिखा है कि न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार एक ऐसी योजना पर काम कर रही है जिसके तहत किसानों के अकाउंट डायरेक्ट पैसा भेजा जाएगा। तो देखिए क्या पैसे के लिए क्या स्कीम लेके आ रही है मोदी सरकार। अब किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए सीधे अकाउंट में पैसे भेजेगी मोदी सरकार। ये लेटेस्ट न्यूज है। तो किस प्रकार पैसे भेजेगी, जानकारी के मुताबिक अगर कोई किसान अपनी फसल को, या देखिए MSP से कम दाम पर बेचता है तो उसके नुकसान की भरपाई सरकार करेगी और सीधे किसान के अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। मतलब ये हुआ कि फसल जिस कीमत में बेची गई और MSP के हिसाब से जितनी कीमत बनती है उसके बीच के फर्क को पूरा हिस्सा सरकार भरेगी, यह आप देख सकते हैं। और सूत्रों के मुताबिक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए किसान को सिर्फ यह रसीद दिखानी होगी जिससे पता चल सकेगा कि फसल किस कीमत पर बेची गई। खबर सिर्फ इतनी ही नहीं है, इस नई स्कीम को पिछले खरीफ सीजन से लागू करने की तैयारी चल रही है। और इसके साथ ही मोदी जी ने एक बड़ा ऐलान ये भी कर दिया है कि टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है ये मोदी सरकार की ये योजना। मोदी सरकार ने किसानों के खाते के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। इस बात पे भी मंथन चल रहा है कि किसान को जो रसीद दिखाएगा किसान, उसकी जाँच कैसे सुनिश्चित की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय, कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय इस योजना के संबंध बैठक कर चुके हैं। मोदी सरकार ने कुछ दिनों पहले किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए फसल की MSP में बढ़ोतरी का ऐलान किया था, लेकिन इसका फायदा पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। ऐसे में ये स्कीम टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। और इसके साथ ही ये जो लेटेस्ट न्यूज में ये भी आए, आज ही की ब्रेकिंग न्यूज है, 750 किलो प्याज की कीमत 1064, किसानों ने PM को भेज दी थी राशि। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के किसानों ने जो बाजार में प्याज की बिक्री से हुई 1064 रुपए की कमाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दी थी। किसान ने ये कदम इसलिए उठाया था ताकि सरकार को प्याज उत्पादक किसानों की जमीनी स्थिति का पता चल सके। किसान ने इस संबंध में PM मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी। उन्होंने कहा कि मैंने 750 किलो प्याज 1064 रुपए में बेची, लेकिन राज्य सरकार के अधिकारियों के बिना किसी पूछताछ के मेरी प्याजों में कालापन बता दिया। ये रिपोर्ट गलत है, अधिकारी आपको भ्रमित कर रहे हैं। तो आशा है कि आप इस बात को समझेंगे कि अगर अधिकारी आपको झूठ बोल सकता है तो एक आम आदमी को सरकारी ऑफिस में कितनी परेशानी झेलनी पड़ती होगी। इस घटना से समझा जा सकता है कि मोदी सरकार नई योजना किसानों के लिए किस प्रकार बड़ी राहत लेकर आएगी। तो दोस्तों ये लेटेस्ट न्यूज किसानों के लिए, मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान करने जा रही है कि जो उनके दाम है सीधे उनके अकाउंट में आएंगे
तो ये योजना आप देख सकते हैं। आज ही की ब्रेकिंग न्यूज है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, आप खुद ऑफिशियल नोटिस देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों।